अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नगमा किचन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी कश्मीरी चिकन मसाला, और इसके साथ मैं ना चपाती या रोटी बनाने वाली थी खाने के लिए, लेकिन मेरे जैद की फरमाइश है कि उसे पूरी खानी है, क्योंकि उसका फेवरेट है, उसे बहुत अच्छा लगता है पूरी। तो चलिए, बच्चा है बोल रहा है तो बना देती हूँ, लेकिन इसकी रेसिपी मैंने शेयर करी आप लोग के साथ, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ। सिर्फ मैं आज चिकन की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बना भी था ये। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी रेसिपी, और आज भी आप लोग को जैद खा करके बताएगा कि चिकन कैसा बना था, ठीक है। तो चलिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं और इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आप लोग यहाँ पे मसाले देख लीजिए कि मैं क्या क्या ली हूँ। तो यहाँ पे मैं चिकन भी धो कर के रख ली हूँ, हरा धनिया है, खड़े गरम मसाले हैं, प्याज है, हरी मिर्ची है, नींबू है, ये सारे मसाले मैं यहाँ पे निकाल के रख दी हूँ, जो भी मुझे लगेगा। सिर्फ मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट रखना भूल गई थी, जो मैं बाद में आप डालूँगी तब मैं आप लोग को बता दूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले निकाल करके रख दी हूँ, आप लोग देख लीजिए, और बाकी मैं बनाते वक्त आप लोग को बताऊँगी कि ये मैं कितना कितना सब ली हूँ मसाले, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई रख दी हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तो तेल मैं और डालूंगी, ये तो वाटी में मैं निकाल के रखी थी, तो ये डाल रही हूँ। कम से कम इसमें मैं 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाली हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देंगे खड़े गर्म मसाले। तो इसमें मैं ली हूँ 2 से 3 पीस तेज़पत्ता, 4 से 5 है छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची है, 2 स्टार फूल है, आधा टुकड़ा मैं ली हूँ जावित्री, 4 से 5 है लौंग, 2 से 3 छोटा टुकड़ा है दालचीनी, और 10 से 12 में काली मिर्च ली हूँ। ये सारे खड़े गरम मसाले हम तेल में डाल देंगे, और थोड़ी देर इसको हम तेल में क्रैकल होने देंगे, ताकि जो मसाले की खुशबू है वो अच्छे से तेल में आ जाए। तो चलिए अब इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे मैं 3 मीडियम साइज़ का प्याज ली थी, इस तरीके से कट करके। तो प्याज को भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच ली हूँ, और अदरक लहसुन को भी हम 2 से 3 मिनट चलाते हुए भून लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है अच्छे से भून जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन को मैं 2 से 3 मिनट चलाते हुए भून ली हूँ, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ का टमाटर, इस तरीके से कट करके, और इसको भी हम चलाते हुए अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाली थी, मैं आप लोग को दिखाना भूल गई, तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, जल्दी से टमाटर गल जाता है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह टमाटर अच्छे से गल गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसको भी हम चलाते हुए मसाले के साथ में थोड़ी देर पका लेंगे, ताकि जो हल्दी का कच्चापन रहता है अच्छे से भून जाए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैं ली हूँ तीखी वाली मिर्ची पाउडर, और 2 चम्मच मैं ली हूँ धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच है जीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच मैं ली हूँ काली मिर्च का पाउडर। तो ये सारे पाउडर मसाले हम इसमें डाल देंगे, और अच्छे से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे बिना पानी डाले। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, पहले इसी तरह से भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें पानी डालेंगे, फिर पानी डाल के वापस से हम मसाले को भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और डाल के वापस से मैं चलाते हुए मसाले को भूनूंगी, ताकि मसाला एकदम अच्छे से भून जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और जितना ज़्यादा अच्छा मसाले को भूनेंगे ना, उतना ही ग्रेवी का टेस्ट आता है, सालन का टेस्ट आता है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक दी हूँ, और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मसाला अच्छे से भून गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 हरी मिर्ची, मिर्ची थोड़ी सी लाल हो गई है, आप लोग हरी मिर्ची ही लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसी के साथ डाल दूँगी चिकन। तो ये मैं चिकन 1 किलो ली हूँ, अच्छे से मैं धो करके पहले इसको रख दी थी साफ़ करके, और अब ये चिकन को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और चलाते हुए ही हम चिकन को मसाले के साथ में भूनेंगे। अभी इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि चिकन का पानी छूटेगा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। साथ में डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर। अब चलाते हुए मसाले के साथ में चिकन को हम भूनेंगे, और इसको हमें इतना भूनना है जब तक कि ये चिकन का पानी छूट ना जाए और अच्छे से वो सूख ना जाए, तब तक हम इसको चलाते हुए भूनते रहेंगे। जितना अच्छा हम ना भुनाई करेंगे, उतना ही अच्छा ग्रेवी का टेस्ट आता है, मसाले का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं दही डाल रही हूँ, तो दही मैं 200 ग्राम ली थी, जिसको मैं अच्छे से फेंट ली हूँ। ये सारा दही हम इसमें डाल देंगे, और इसको वापस से हम चलाते हुए भूनेंगे, ताकि जो दही का पानी है वो भी अच्छे से सूख जाए, मसाला हमारा और अच्छे से भून जाए।
तब तक इसको हम चलाते हुए इसी तरह से पकाएंगे। और भूनते ही भूनते 50% तो चिकन हमारा गल ही गया था। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह दही भी अच्छे से पक गया है, सारा मसाला अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ढक करके चिकन के गलने तक पका लेंगे। तो मैं यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए और ढक के धीमी आँच पे पकाऊंगी ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। वैसे तो भूनते वक्त ही मतलब चिकन 50% गल गया था, लेकिन और इसको हम ढक करके पका लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से पूरी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह 15 से 20 मिनट हो गए थे यहाँ पे पकते हुए चिकन को, चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस, अच्छे से निचोड़ के डाल देंगे, हाथ की मदद से बीज को निकाल लेंगे। और माशाल्लाह ये ग्रेवी ना इतना चटपटा, मतलब तीखा भी था, थोड़ा सा खट्टा था, मसाले का अच्छा टेस्ट आ रहा था, बहुत अच्छा चटपटा बना था ये ग्रेवी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये हमारा चिकन तैयार है, लेकिन और इसको मैं धीमी आंच पे कम से कम 1 से 2 मिनट ढक करके मैं और पकाऊंगी, उसके बाद ये हमारा चिकन एकदम रेडी है। और इसके साथ मैं पूरी बनाई थी, तो पूरी की रेसिपी मैं पहले ही बता दी हूँ आप लोगों को कि उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कितने बार बना चुकी हूँ। तो ये हमारा चिकन बन करके तैयार हो गया, फटाफट से मैं पूरी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं खाने के टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स खाना बन गया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि चिकन कैसा बना है। और साथ में मैं बनाई हूँ पूरी, क्योंकि ये मेरे जैद की फरमाइश थी कि पूरी खानी है उसको, तो मैं बना दी हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स खाना खाते हैं, दोपहर के बज रहे हैं, अभी 1:30 बज गया है। तो चलिए खाना बन भी गया है, तो अभी फटाफट से खाते हैं, गरम गरम अच्छा लगेगा खाने में। तो आज भी आप लोगों को जैद खा के बताएगा कि चिकन कैसा बना है, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से मैं निकाल के उसको देती हूँ और पूछते हैं उससे कि कैसा लगा आज का चिकन उसको। तो चलिए चलो जैद खा के आज भी बताना है कैसा बना है, बताओगे ना कैसा बना है चिकन? हाँ मेरे बच्चे के मुंह में इतना घमोरी हो गया गर्मी की वजह से, ये देखिए इसका मुंह कैसा लग रहा है घमोरी की वजह से। तो चलो जैद मैं निकाल के देती हूँ, हाँ खा के बताओ। रुको क्या लोगे, ये दूँ? तो चलिए फ्रेंड्स मैं जैद को दे दी हूँ यहाँ पे खाने। सालन भी चाहिए? ठीक है लो सालन भी ले लो, थोड़ा सा लो, हाँ तीखा रहेगा। चलो तो यहाँ पे देखिए मैं जैद को दे दी हूँ, खा के बताओ बेटे। चलो खाओ, अच्छे से बैठो, हाँ अच्छे से बैठो। कैसा बना है? अच्छा है? मुंह से बताओ, मुंह से बोलो अच्छा है। और खाओ, और मेरी जैद की फेवरेट है हाँ पूरी, ये रोटी खाने के लिए बोलो तो बोलता है कि मेरा दांत टूट जाएगा, है ना जैद? रोटी खाने से तुम्हारा दांत टूट जाता है? हाँ पूरी अच्छा लगता है ना बाबू तुमको? अच्छा है चिकन, अच्छा है। और ठीक है खाओ, लाओ जरा जरीन तुम लोगों को भी दो। हेलो सालन दू? ले जा रहा तू भी खाओ। क्या लोगे सालन?
अच्छा है बाबू, टेस्ट अच्छा लग रहा है। हाँ तो यहाँ पे मैं मंगा ली हूँ तंदूरी रोटी बाहर से, घर पे नहीं बनाई हूँ। और ये पूरी बनाई हूँ आज मैं, और साथ में बनाई है कश्मीरी चिकन। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खाने। तो चलिए खाते हैं फ्रेंड्स, मैं भी देखती हूँ कैसा बना है। मेरे जैद को तो अच्छा लगा। अच्छा लगा ना बेटे, अच्छा है ना, खाओ। तो चलिए फ्रेंड्स खाना खाते हैं। यहाँ पे मैं भी बैठ गई हूँ। इतने ज़ोर से मुझे अभी ठसका लगा। और यहाँ पे मेरा बाबू खा रहा है जैद। तो चलिए खाते हैं, देखते कैसा बना है। और मेरा मुंह देखिए पसीने से कितना एकदम ये दिख रहा है, चिपचिपा लग रहा होगा एकदम, क्योंकि अभी खाना बना के जस्ट यहाँ बैठी हूँ मैं। तो चलिए खा के देखते हैं कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है माशाल्लाह। सालन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, और साथ में ना पूरी भी बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तंदूरी भी मंगाई हूँ बाहर से, तंदूरी मंगाई हूँ, लेकिन अभी पूरी के साथ में टेस्ट करी। अभी देखते तंदूरी के साथ में खा के कैसा लग रहा है। सालन लेकिन एक नंबर बनाया, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे तंदूरी के साथ भी खा रही हूँ मैं। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, टेस्टी बनाया, एक नंबर बनाया। अच्छा ना बाबू, बता दो चिकन पकड़ो हाथ में सर। तो चलिए फ्रेंड्स खाना खाते हैं, और ये वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और बाकी आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये चिकन ज़रूर बनाइएगा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना है। तो चलिए फिर ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी या ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।